12वीं शताब्दी के अंत में घुरिद सल्तनत ने भारतीय राज्यों पर आक्रमण किया। 1202 में घुरिद सल्तनत के अफसरों में से एक बख्तियार खिलजी ने वर्तमान बिहार और बंगाल के पूर्वी राज्यों पर आक्रमण किया। उसने कई शहरों को नष्ट कर दिया था और कई मासूम लोग मारे गए। उसने बौद्ध स्थलों और दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था। उसने सेन साम्राज्य को हराया और उनकी राजधानी नवद्वीप पर कब्जा कर लिया। बख्तियार खिलजी बंगाल का क्षेत्र जिसे लखनौटी कहा जाता था उसका गवर्नर बना। 1212 में लखनौटी का गवर्नर गियासुद्दीन इवज शाह ने कामरूप साम्राज्य पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन वह हार गया। बाद में उसने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह किया और स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन उसे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने पकड़ लिया और उसे मार डाला। 1287 में लखनौटी का गवर्नर नसरुद्दीन बुगरा खान ने दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्रता की घोषणा की और लखनौटी के स्वतंत्र सुल्तान बने। उसका बेटा रुकनुद्दीन कैकोस ने बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। बाद में 1303 में लखनौटी का सुल्तान शमशुद्दीन फिरोज शाह ने गौर साम्राज्य को हराया और पूर्वी बंगाल और सिलच क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 1324 में दिल्ली के सुल्तान गियातुद्दीन तुगलक ने लखनौटी पर आक्रमण किया और उसका सुल्तान गियासुद्दीन बहादुर शाह को हरा दिया। बंगाल का क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अधीन एक प्रांत बन गया। गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को तीन प्रांतों में विभाजित किया, उत्तर में लखनौटी, दक्षिण में सतगांव और पूर्व में सोनारगांव। प्रत्येक प्रांत को एक अलग गवर्नर नियुक्त किया गया, लेकिन कुछ ही वर्षों में इन प्रांतों के गवर्नरों ने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और अपने प्रांतों के स्वतंत्र सुल्तान बने। 1340 में सोनारगांव के सुल्तान फखरुद्दीन मुबारक शाह ने चिटगांव पर कब्जा कर लिया। ये तीन छोटी सल्तनतें अक्सर आपस में लड़ती रहती थी। सतगांव के सुल्तान शमशुद्दीन इलियास शाह ने 1342 में लखनौटी सल्तनत को हराया और फिर 1352 में सोनारगांव सल्तनत को हराया। उसने इन तीन सल्तनतों को मिलाकर एक सल्तनत बनाया, बंगाल सल्तनत, और वो उसका पहला सुल्तान बना और इलियास शाही वंश की स्थापना की। अगले वर्ष 1353 में दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल सल्तनत पर आक्रमण किया। बंगाल सल्तनत की हार हुई और सुल्तान इलियास शाह दिल्ली सुल्तान को वार्षिक पैसे देने के लिए सहमत हो गया। 1358 में शमशुद्दीन इलियास शाह का बेटा सिकंदर शाह बंगाल का सुल्तान बना। उसने दिल्ली सल्तनत को वार्षिक पैसा देना बंद कर दिया और फिर दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने एक बार फिर बंगाल सल्तनत पर आक्रमण किया। बंगाल सल्तनत की सेना एकडाला किला में महीनों तक दिल्ली सल्तनत की सेना को रोक सकी। दिल्ली सल्तनत की सेना बहुत थक चुकी थी और अंत में फिरोज शाह तुगलक ने सिकंदर शाह के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। इलियास शाही वंश ने 1414 तक बंगाल सल्तनत पर शासन किया, जब एक स्थानीय जमींदार गणेश ने गद्दी पर बैठा और बंगाल का राजा बन गया और गणेश वंश की स्थापना हुई। इसी बीच उत्तर भारत में 1394 में जौनपुर के गवर्नर मालिक सरवर ने दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्रता की घोषणा की और जौनपुर सल्तनत का एक स्वतंत्र सुल्तान बन गया। सुल्तान इब्राहिम शाह के अधीन जौनपुर सल्तनत ने वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों को कवर किया। 1414 में जब जमींदार गणेश बंगाल के राजा बने, जौनपुर सुल्तान इब्राहिम शाह ने बंगाल पर हमला किया, लेकिन हार गए और बाद में बंगाल के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। जौनपुर के आखिरी सुल्तान हुसैन शाह ने 1478 में एक बड़ी सेना के साथ दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया, लेकिन सुल्तान बहलोल लोडी के अधीन दिल्ली सल्तनत की सेना ने कई लड़ाइयों में जौनपुर सल्तनत की सेना को हरा दिया। 1479 में दिल्ली सल्तनत की सेना ने जौनपुर सल्तनत में प्रवेश किया और जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह बंगाल सल्तनत में भाग गए। दिल्ली सल्तनत ने जौनपुर सल्तनत पर कब्जा कर लिया और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। वहीं बंगाल में राजा गणेश की मृत्यु के बाद उनका बेटा यदु बंगाल का राजा बना। वो इस्लाम में परिवर्तित हो गया था और सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से जाना गया।
अराकान के राजा मिनसा मौन, उसने अवा और पेगू के राज्य को हराने के लिए जलालुद्दीन मोहम्मद शाह से मदद मांगी। अवा के राज्य ने 1406 में अराकान राज्य को हरा दिया था और अराकान पर अवा और पेगू ने कब्जा कर लिया। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह ने अराकान के राजा मिनसा मौन के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और एक सेना भेजी। बंगाल सल्तनत की सेना ने 1430 में बर्मी साम्राज्य अवा और पेगू को हरा दिया और अराकान पर कब्जा कर लिया। मोरक्कू साम्राज्य की स्थापना हुई और यह बंगाल सल्तनत के अधीन एक जागीरदार राज्य बना। बंगाल सल्तनत के कई बंगाली अराकान में बस गए और ये लोग वर्तमान म्यांमार के रोहिंग्या समुदाय के लोग बने। 1433 में जलालुद्दीन मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई और उनका बेटा शमशुद्दीन अहमद शाह बंगाल का सुल्तान बना, लेकिन 1436 में उनके नौकरों ने ही उन्हें मार डाला और गणेश वंश का अंत हो गया। इस वजह से मोरक्कू का साम्राज्य बंगाल सल्तनत से स्वतंत्र हो गया और चिटगांग पर भी कब्जा कर लिया। 1494 तक बंगाल सल्तनत में अस्थिरता का दौर था, लेकिन अलाउद्दीन हुसैन शाह बंगाल का सुल्तान बना और सल्तनत में थोड़ी बहुत स्थिरता आई और हुसैन शाह वंश की स्थापना हुई। जब 1494 में जौनपुर सल्तनत को दिल्ली सल्तनत ने हराया था, तब आखिरी जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह बंगाल सल्तनत की तरफ भागा। इस वजह से दिल्ली सल्तनत ने बंगाल सल्तनत पर आक्रमण किया, लेकिन दिल्ली सल्तनत की हार हुई और दिल्ली सल्तनत की सेना को वापस जाना पड़ा। फिर बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह ने 1498 में कामता साम्राज्य पर आक्रमण किया। उसने कामता साम्राज्य को हरा दिया और यह कामता साम्राज्य का अंत था। फिर 1516 में सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह ने मोरक्कू साम्राज्य पर आक्रमण किया और चिटगांग पर फिर से बंगाल सल्तनत का कब्जा हो गया और साथ ही मोरक्कू साम्राज्य के उत्तरी हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया गया। सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासन के दौरान पुर्तगाली गोवा से चिटगांग पहुंचे और 1517 में पुर्तगालियों ने चिटगांग में एक फैक्ट्री की स्थापना की। 1519 में अलाउद्दीन हुसैन शाह की मृत्यु हो गई और उनका बेटा नुसरत शाह बंगाल का सुल्तान बना। ये नुसरत शाह के शासन के दौरान था कि 1526 में बाबर के अधीन मुगल साम्राज्य ने दिल्ली सल्तनत को हरा दिया था। दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन आखिरी दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोडी के भाई महमूद लोडी ने बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह से मदद मांगी। नुसरत शाह मदद के लिए तैयार हो गए और 1529 में घाघरा की लड़ाई में बंगाल सल्तनत की सेना मुगल सेना से भिड़ गई, लेकिन इस लड़ाई में बंगाल सल्तनत की हार हुई और महमूद लोडी मारा गया और फिर दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। 1538 में शेरशाह सूरी ने बंगाल सल्तनत को हरा दिया और बंगाल सूरी साम्राज्य के अधीन आ गया। उसके बाद 1540 में शेरशाह सूरी ने मुगलों को भी हरा दिया और मुगल बादशाह हुमायूं ईरान की ओर भाग गया। बंगाल पर अब सूरी साम्राज्य के गवर्नरों का शासन शुरू हुआ, लेकिन 1545 में हुमायूं वापस आया और सूरी साम्राज्य को हराकर उसने मुगल साम्राज्य की वापस स्थापना की। बंगाल के गवर्नर मोहम्मद खान सूर ने स्वतंत्रता की घोषणा की और वह बंगाल का सुल्तान बना। मोहम्मद शाही वंश का स्थापना हुई। मोहम्मद शाही वंश ने 1564 तक बंगाल पर शासन किया, जब एक अफगान जनरल ताज खान करानी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया और बंगाल का सुल्तान बना और करानी वंश का स्थापना हुई। शुरुआत से बंगाल के करानी सुल्तानों ने मुगल बादशाह अकबर को वार्षिक पैसे देते थे, लेकिन 1572 में दाऊद खान करानी बंगाल का सुल्तान बना और उसने वार्षिक पैसा देना बंद कर दिया और उसने मुगलों के साथ शांति भी तोड़ दी। इस वजह से मुगल बादशाह अकबर ने बंगाल सल्तनत पर आक्रमण किया। पहली कुछ लड़ाइयों में बंगाल सल्तनत की जीत हुई, लेकिन इन जीतों में भी बंगाल सल्तनत को बहुत सारा नुकसान भी हुआ। अंत में मुगल सेना ने 12 जुलाई 1576 को राजमहल की लड़ाई में बंगाल सल्तनत को हरा दिया। बंगाल के सुल्तान दाऊद खान करानी को पकड़ लिया गया और उसे मार दिया गया। इसके बाद बंगाल सल्तनत का अंत हो गया और बंगाल मुगल साम्राज्य के अधीन एक प्रांत बन गया।